सब्सक्राइबर लोगों को बता दूं, जैसे बकरी फार्म है और मुर्गी फार्म है और उसके साथ में अगर मछली, इनका सब्सिडी से लेकर के कोई भी अगर रहे तो आप भाई का गांव एक बार बता दीजिए और इनसे इनका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। क्या बोलते हैं ये सारंगढ़ से जैसे आप जाएंगे तो 17 किलोमीटर दूर में क्या बोलते हैं है तेंदुआ। कैसे बनाते हैं इनके जो बीट हैं, बकरी के जो बीट हैं और मुर्गी के जो बीट हैं, दोनों को मिक्स कर लीजिए, एक स्प्रे बोतल रख लीजिए है ना, और उसके ऊपर आप ये जो मुर्गी का जो दाना है बॉयलर उसको छिड़कने के बाद एक अंडा उसके ऊपर छिड़क दीजिए। एक एकड़ से ऊपर में आप जैसे आप बनाते हैं एक एकड़ कम से कम एक एकड़ तो आपको उसमें अलग से 56,000 आपके क्या बोलते हैं फीडिंग के लिए मिलेगा और मृगल कतला और उसका कॉमन कार ग्रास कार और बिग हेड भी है और पंगास का हार्वेस्टिंग हो चुका है तो सब एक साथ डाल दिए। हाँ सब एक साथ। तो मैं समीर मलिक, देखिए आज हमारा 2 बकरी सेल हो रहा है दोस्तों, ये एक व्हाइट वाली है ना और उसी के साथ में ये ब्लैक वाली जो बिट्टल थी हमारी रेड आइस की मुंडिन, जिसका सिंग नहीं था, सोचे थे इसको बढ़ाएंगे रखेंगे बोल करके, लेकिन भाई के यहाँ बढ़ेगा। ये भी एकदम नए फार्मर हैं, हमारे मित्र हैं। हाय भैया, कहाँ से हो भैया आप लोग? हम लोग सारंगढ़ तेंदुआ। सारंगढ़ मैं सुना हूँ भैया आप लोग फिश फार्मिंग में भी बहुत ज्यादा मतलब अभी काम चल रहा है। हाँ, अभी शुरू हो रहा है। तो सरकारी सब्सिडी में बनाए हैं कि ऐसी? हाँ, मतलब सब्सिडी मिला था मेरे को। सब्सिडी मिला था? हाँ, मिला था। कैसे टाइप का सब्सिडी भैया? जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना भैया, हाँ मिला था मेरे सब्सिडी 84,000 करके। अच्छा है ना, मेरा नर्सरी के नाम से हुआ। अच्छा। हाँ, जो अब एक एकड़ से जो कम है ना वो नर्सरी के नाम से बनता है और एक एकड़ से ऊपर रहता है ना वो क्या बोलते हैं आप तालाब के नाम से बनता है, तो मेरे को नर्सरी के हिसाब से मेरे को उतना पेमेंट मिला। तो पैसा पहले आपको मिल गया था कि पहले काम कराया? पहले काम कराया मैं, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी रखे, सब सही था। क्या बोलते हैं 15 दिन में पेमेंट आ गया। दोस्तों एक बार इनके फार्म जा करके फुल वीडियो बनेगा, आप लोगों को भी सब्सिडी का लाभ कैसे मिलता है और कैसे आप लोगों को फार्म स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो मछली का रहे चाहे बकरी का रहे। आज के युवा किसान बहुत ज्यादा नौकरी करते हैं दोस्तों, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि 8 से 10 हज़ार के अगर आप नौकरी कर भी लेते हैं तो 8 घंटे का आपका उसका बंधन रहेगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, थोड़ा सा पैशेंस है, थोड़ा सा सपोर्ट, अगर आपको बैक सपोर्ट मिलता हो, और थोड़ा पैशेंस का मतलब ये है कि कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जब आपका वहां से जो टर्नओवर स्टार्ट होगा तो आप विश्वास रखिए, जैसे भाई ने विश्वास के साथ में काम शुरू किया है तो एक दिन ये खुद का बहुत अच्छा काम शुरू करेंगे। तो भैया अभी क्या डाले हैं आप उसमें? अभी उसमें मेरे पास भी ये टोटल जितना फीस सब था, क्या बोलते हैं रोहू मृगल कतला और उसका कॉमन कार ग्रास कार और बिग हेड भी है और पंगास का हार्वेस्टिंग हो चुका है, तो सब एक साथ डाल दिए। हाँ सब एक साथ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बोलते हैं बस बोलने को क्या बोलते हैं इसमें वो प्रॉब्लम होता है करके, लेकिन अभी तक मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। होता ये है कि पंगास को बार बार क्या बोलते हैं अपन नेट नहीं चला सकते, नेट नहीं चला सकते और इसके लिए बार बार नेट चलाना होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पंगास में कांटा रहता है। हाँ, ये तो उसमें बार बार नेट चलाने चला मतलब चला नहीं सकते, तो इस बार क्या सोचा हूँ मैं बीच से थोड़ा डिवाइड करके ना। अच्छा। करीबन पंगास के लिए अलग पाउंड बनाऊंगा करके सोचा, पाउंड अलग से बनाएंगे। तो इसमें जो आपको सब्सिडी मिला था भैया, तो वो सब्सिडी एक बैग मिल गया था पूरा? हाँ हाँ, बनने होने के बाद एक ही बार में आता है, लेकिन जैसे आप अगर तालाब बनाते हैं तो आपको 3 किस्त में आएगा, एक आपका तालाब का आएगा, आप उसका एक फीडिंग के लिए अलग से आएगा और इसका सीट के लिए अलग से आएगा। अच्छा। तो वो दोनों मेरे को नहीं मिला। हाँ, वो दोनों में जो क्या है नर्सरी के नाम से बना था मेरे को चुक गया। जैसे एक एकड़ से ऊपर में आप जैसे आप बनाते हैं एक एकड़ कम से कम एक एकड़ तो आपको उसमें अलग से 56,000 आपके क्या बोलते हैं फीडिंग के लिए मिलेगा और 28 या 24 हज़ार ऐसा कुछ सीट के लिए मिलता है। बाकी फिर आप जब एक बार ले लेते हैं तो फिर आगे अच्छा कार्यक्रम रहता है तो आगे और आसान हो जाता है, आगे और आसान हो जाता है। तो आपकी उज्जवल भविष्य की कामना है भैया, और आशा करता हूँ कि आप मेरे यहाँ जो टंकी वगैरह देखे हैं तो पंगासियस ना पाल के मैं अभी देसी मांगुर और सिंघी पे काम कर रहा हूँ। चलिए आप लोन लिए हैं उसके नाम से तो एक बार निकाल लीजिए, उसके बाद एक बड़ा सिस्टम ये करने वाले हैं कि आप जो मेरा जो यहाँ पर जो फिश टैंक देख रहे हैं ये ग्रीन वाला पूरा लंबा चौड़ा, ये यहाँ पर मेरा कहना चाहिए कि देसी मांगुर और सिंघी जो कि हाई वैल्यू फिशेस हैं, हम लोग अगर उस पर काम करते हैं तो 8 महीने में एक अच्छा खासा कलेक्ट करके, जैसे आपका होगा, मेरा होगा, इनका होगा, देसी मांगुर और सिंघी तो आप तारपोलिन टैंक में भी कर सकते हैं है ना, जो ले लिए बाकी मछली तो सेम है, मछली का अनुभव भी मिल जाएगा। इसके बाद मेरा प्लान ऐसा है कि सबको इकट्ठा करके कलकत्ता में जिनके पास से मैं लेता हूँ मछली बच्चा, ठीक है, उन्हीं से मेरी इस साल वैसा बात हुआ है जो मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये यूट्यूब बना रहा हूँ ऐसा नहीं है, मैं आपको पर्सनली ये बोल रहा हूँ कि मेरी उनसे ऐसी बात हुई है कि अगर आप बल्क में मछली तैयार कर लेंगे तो वो गाड़ी भेज देंगे। जी, तो भैया आप मेरे को बताइए मेरे यहाँ का जो टैंक है इस पे मैं अगर तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा कितना निकालूंगा भैया? 3 क्विंटल 4 क्विंटल माल निकालूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरे को उनको देने के लिए हाई वैल्यू फीस एक साथ बेचने के लिए मेरे को
आप लोग जैसे का सपोर्ट चाहिए। जी जी जी। तो जब मैं तैयार कर रहा हूँ तो आप भी तैयार कीजिए, मेरा मानना है। हाँ हाँ भैया करते, लेकिन हुआ हो क्या रहा ना, इधर ना हाई वैल्यू की गाँव में क्या बोलते हैं कोई लेंगे नहीं। हाँ इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग ना, क्या बोलते हैं नहीं तो कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको जब मेरे यहाँ से आप देखेंगे ट्राई करते हुए तो आपके यहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। वैसा तैयारी करेंगे तो दोनों मिलकर करेंगे, रितेश को भी बोलेंगे और भी लोग हैं, तो उसमें क्या है एक गाड़ी माल होगा तो माल उठवाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी। हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर मैं दो कंडीशन रखूंगा कि एक तो वो लेके जाएंगे, अगर वो नहीं लेके जाएंगे तो मार्केट मैं दूंगा, लेकिन जो मार्केट में मैं बेच रहा हूँ उसी रेट में। हाँ इतना मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जो आप पंगास बेचते हैं, जो आईएमसी बेचते हैं, उनसे ज्यादा दिलाऊंगा। कंडीशन दो रहेगा, एक कंडीशन हाई वैल्यू फीस है जो कलकत्ता वाला लेके जाएगा तो एक अच्छा खासा रेट मिलेगा, और बाय द वे अगर चूक जाता है किसी कारणवश, क्योंकि अगर उनका टनो टन माल पूर्ति नहीं हो पाता है तो हम अच्छे रेट में बेचेंगे, इस बात की विश्वास है। तो ऐसा करने से तो कर सकते हैं ना? जी कर सकते हैं भैया, बिल्कुल। क्या है मेरे साथ में और दो तीन फार्मर और जुड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, जो क्या बोलते हैं अपन पौन में कर रहे हैं, आधा एकड़ एकड़ में, लेकिन उनका टोटल क्या बोलते हैं ये अपना पंगास है उनका। जैसे मेरा एक एकड़ में एक ही फार्म है, लेकिन उनका एक एकड़ में चार तालाब है, छोटा छोटा, तीन या चार तालाब ऐसा है। इसमें एक चीज और है, जैसे कि आप लोग ये आईएमसी और ये जो पंगासियस करते हैं तो छोटे फार्मर के पास कुछ नहीं बचता है भैया, खाली मेहनत ही बचता है। हाँ, हाँ, मैं आपको देसी मांगुर और सिंघी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे, जैसे आपने देखा कि मैं वहाँ पे अंजोला लगा रखा हूँ। हाँ, अंजोला भी खाते हैं मछलियाँ। हाँ, आप खिला के देखिएगा पंगासियस को। आपको मैं पूछ रहा था, करूंगा उसका मैं बताता हूँ आपको, लेकिन बीएसएफ भी खिलाना है। बीएसएफ जो है बहुत अच्छा है। बीएसएफ कैसे बनाते हैं, इनके जो बीट है, बकरी के जो बीट है और मुर्गी के जो बीट है, दोनों को मिक्स कर लीजिए, एक स्प्रे बोतल रख लीजिए, है ना, और उसके ऊपर आप ये जो मुर्गी का जो दाना है बॉयलर, उसको छिड़कने के बाद एक अंडा उसके ऊपर छिड़क दीजिए एक गमले में। आप देखेंगे कि बीएसए ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है वो आएगा, उसके ऊपर में वो बीट करेगा, उसके ऊपर में बीट करने के बाद वो 15 से 25 दिन के अंदर में आपको उनके प्यूपा छोटे 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 दिख जाएंगे, लार्वा जो है लार्वा दिख जाएंगे जी, और उसके बाद ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा वो बीएसएफ। तो एक गमेला नहीं, आपको ना बहुत सारा गमला, मेरे यहाँ बीएसएफ की वीडियो डली हुई है इसमें, और उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये चीज करने से ना हमारा 50% जो है फीड कॉस्ट कम हो जाएगा, और ये चीज हम कर सकते हैं देसी मांगुर और सिंघी के साथ में। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा। और मेरे सब्सक्राइबर लोगों को बता दूं, जैसे बकरी फार्म है और मुर्गी फार्म है और उसके साथ में अगर मछली, इनका सब्सिडी से लेकर के कोई भी अगर रहे तो आप भाई का गांव एक बार बता दीजिए और इनसे इनका कांटेक्ट नंबर दे। क्या बोलते हैं ये सारंगढ़ से जैसे आप जाएंगे तो 17 किलोमीटर दूर में क्या बोलते हैं है तेंदुआ, सालर जैसे ही पड़ेगा वहाँ से लेफ्ट साइड में कट जाना है। अच्छा, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गाँव है तेंदुआ। तेंदुआ। और अगर किसी को बकरी लेना हो तो क्या बोलते हैं सर के पास आइए, कितना अच्छा अच्छा बकरी है, क्या है एकदम छांट के लाए हैं वो। हाँ, तो एक बार आके देखिए, अगर नहीं भी लेते हैं तो एक बार आके देखिए, इतना अच्छा जबरदस्त जबरदस्त बकरी है इनके पास। बाकी आपको फार्म कैसा लगा भैया? एक नंबर, बढ़िया लगा। चलिए ठीक है, हम तो खरीदी बिक्री करते हैं, आगे पीछे थोड़ा सा होता रहेगा। बाकी अभी लेबर समस्या की वजह से निकाल रहे हैं, सब नहीं निकालेंगे, भाई छांट के ले जा रहे हैं, 4-5 रहेगा मेरे पास और आने जाने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। बाकी मैं इनके फार्म जा करके एक बार डायरेक्ट, आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए, सब्सिडी वाले फ़ोन कर लेंगे। जी 7000667449। ओके, धन्यवाद भैया।